ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। भिलाई के नेहरू भवन सुपेला स्थित मार्केट के व्यापारी सप्ताह भर से खासे परेशान हैं। परेशानी का कारण नगर निगम भिलाई द्वारा दुकानों के सामने नाली निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे हैं। नगर निगम भिलाई कई वार्डों में नाली निर्माण करवा रहा है। इसी कड़ी में नेहरू भवन सुपेला स्थित मार्केट में भी नाली निर्माण शुरू कराया गया है। नाली निर्माण के लिए गड्ढे तो खोदे गए लेकिन काम शुरू नहीं कराया गया। नाली निर्माण के लिए 7 दिन पहले गड्ढे खोदे गए थे जिसके कारण व्यापारियों को खासा कष्ट झेलना पड़ रहा है। गड्ढों के कारण ग्राहक उनकी दुकानों तक ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। व्यापारी अपनी परेशानी आज के एक हफ्ता पहले जल्द ही नाली निर्माण कराए जाने की मांग की है। वहीं वार्ड पार्षद भोजराज सिन्हा ने जल्द नाली निर्माण का भरोसा दिलाया है। आज के एक हफ्ता पहले यहाँ पे नाली खोद दिया गया है और नाली खोदने से यहाँ व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो गया है। ना कोई व्यापारी निकल पा रहा है, ना कोई ग्राहक दुकान के अंदर जा पा रहा है। ठेकेदार की मनमानी का भुगतान हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पे एक हफ्ता हो गया है और एक हफ्ता में जानवर गिर जा रहे हैं, कस्टमर यहाँ नीचे गिर जा रहे हैं और इसका पूरा कचरा रोड में पड़ा हुआ है, उसको हटाया नहीं गया है। और ये जो काम है ना, जल्द से जल्द पूरा करें, नहीं तो हम सब व्यापारी मिलके इसको पाट देंगे और महापौर से मांग करेंगे कि इस ठेका को रद्द किया जाए। उसके बदले में उस बजट को यहाँ मूत्रालय शौचालय, जो हमारी सभी व्यापारियों को मांग है, उस बजट को उसको समाहित करके शौचालय बनाया जाए। समस्या भैया ये है कि आज से करीब 7 दिन पहले निगम प्रशासन द्वारा नेहरू रोड में करीब 25 दुकानों के सामने नाली बनाने के लिए खुदाई की गई है। एक हफ्ता हो गया खुदाई करके इन लोग छोड़ के चले गए हैं। आज तक ना मलबा हटा है और ना कोई यहाँ पर नाली निर्माण का काम चालू हुआ है। इसके चलते जानवर कस्टमर को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। 2 दिन पहले 2 ठो गैया गिर गई थी तो हम सब व्यापारी लोग मिल करके गाय को गड्ढे से बाहर निकाले हैं। निगम प्रशासन से हम ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नाली निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाए और यथास्थिति जैसी थी उसको बरकरार किया जाए। मैं तो पार्षद को शिकायत किया हूं और पार्षद को बोला हूं कि भैया एक हफ्ता हो गया, आज बुधवार से खोद करके गए हैं, अभी तक के कोई कार्रवाई यहां पे नहीं हो रहा है और इसमें एक गाय गिर चुकी है, उसको सब व्यापारी मिलके हम बाहर निकाले हैं और बच्चों को भी संभावना रहता है, गिरते गिरते बचाते हैं, ग्राहक के बच्चे आते हैं दौड़ते भागते रहते हैं, किसी प्रकार से क्षति हानि होगा तो फिर इसकी जिम्मेदार कौन रहेगा। पार्षद का कहना पड़ा कि भाई सोमवार से काम चालू होगा, आज सोमवार हुआ है, आज कोई आया नहीं है, ना कोई ठेकेदार आया, ना पार्षद आके बता के गया कि बोले हाँ भाई मैं अधिकारी से बात कर रहा हूँ करके अधिकारी से बात किया, अधिकारी को भी फोन लगाया मैडम को और वो मैडम ने ठीक है करके आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक के कोई ना ठेकेदार आया है, ना कोई निगम का कोई कर्मचारी नहीं आया यहाँ पे, ना किसी प्रकार के कोई जिम्मेदारी नहीं देख रहे, और किसी प्रकार की क्षति हानि होता है तो उसके जवाबदार आखिर कौन रहेगा। पिछले मंगलवार से यहाँ नेहरू भवन रोड में नाली खोद के चले गए हैं, ठीक है, उसमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं है। यहाँ ग्राहक को चढ़ने उतरने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, ग्राहक दुकान के अंदर आ पा रहा है, बाहर दिखाना पड़ रहा है सामान हमको ला के। एक बच्चा भी गिर गया था हमारी दुकान के सामने तो उसको चोट लगी है, एक जानवर भी गिरा था उसको निकाले हैं, है ना। तो इस टाइप की परेशानी है, ये जो खोद के गए हैं इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो फिर इसे हम लोग बंद कर देंगे। निश्चित व्यापारियों को बहुत कष्ट हो रहा है और उस कष्ट के आधार पर ही उसको वहाँ का प्रस्ताव बनाया गया है। वहाँ पे पूरे व्यापारियों का पानी मेन प्रमुख रोड में बहता था, जिसके संदर्भ में हम लोगों ने प्रस्ताव बनाया और विगत 10 लाख की लागत से नगर के आदरणीय महापौर और मैं स्वयं उनका भूमि पूजन किए हैं। कार्य चालू है और उसकी तुड़ाई की गई है। ठेकेदार के द्वारा आज दिनांक से काम चालू करने की बातें कही गई थी, जो आज चालू नहीं किया उन्होंने, जिसकी संज्ञान में मैंने यहाँ के नगर निगम के आयुक्त के दिमाग नॉलेज में और यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में के नॉलेज में मैंने डाल दिया है और स्वयं मेरी ठेकेदार से बात भी हुई है, बोले आज मेरी मशीन गिर जाएगी और कल से कार्य जारी हो जाएगा। निश्चित विकास कार्य जहाँ चालू होता है तो कार्य करने में थोड़ा समय लगता है और अभी 3 दिन पहले तोड़े हैं
कार्य 10 दिन के अंदर 10-12 दिन के अंदर हम लोग उस ठेकेदार पे दबाव बना करके 10-12 दिन में हम काम कंप्लीट। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।